मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक साथ 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में ही पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ का नाम भी तय हो गया है। कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी भी छिंदवाड़ा से अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर चुकी है। कमलनाथ का मुकाबला बीजेपी के विवेक बंटी साहू से होगा। आइए जानते हैं कि इस बार कौन मजबूत स्थिति में है, क्या बीजेपी कमलनाथ के गढ़ को भेद पाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस सुप्रीमो 76 साल के कमलनाथ छिंदवाड़ा से फिर चुनावी मैदान में हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे हैं। छिंदवाड़ा विधानसभा हो या फिर लोकसभा क्षेत्र, यहां हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां से लगातार कमलनाथ और उनके परिवार के लोग ही चुनकर आते हैं। यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस के इस किले को भेदना चाहती है। इसके लिए व्यूह रचना बनाने का काम लंबे समय से किया जा रहा था। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के नाम का ऐलान होने के बाद मुकाबला खुल्लम खुल्ला हो गया है। बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को चुनावी मैदान में उतारा है। विवेक बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और साल 2019 के उपचुनाव में भी कमलनाथ को चुनौती दे चुके हैं। हालांकि तब 25,837 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से आत्मविश्वास से लवरेज होकर चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कमलनाथ को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि इस बार वे उन्हें हराएंगे। बीजेपी ने इस बार पहले से ही चुनावी विसात बिछाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद चुनकर आए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश में केवल कांग्रेस की एक सीट आई थी और वो भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते थे। कमलनाथ को छिंदवाड़ा से केवल एक ही बार हार का सामना करना पड़ा है। जब यहां से बीजेपी ने सुंदरलाल पटवा को चुनावी मैदान में उतारा था, तब कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा था। छिंदवाड़ा में ओबीसी वोटर मुख्य भूमिका में है, जो चुनाव की दिशा और दशा तय करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां ओबीसी उम्मीदवार उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।